Okay, students, good evening again. Welcome back to Learners Academy. Good evening. So the next topic is volume of combination of solids. सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे, बस दो मिनट की बात कर लेते हैं कि पहली एक्सरसाइज में हमने क्या, क्योंकि फॉर्मूला वॉर्मूला वॉल्यूम के भी हमने पढ़ लिए। पहले एक्सरसाइज में सरफेस एरिया के क्वेश्चंस थे, मान ली, इस बार वॉल्यूम के क्वेश्चंस होंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा, कि पहले भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कर रहे थे, दो फिगर्स को तोड़ रहे थे, मोड़ रहे थे, निकाल रहे थे, नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन उनके सरफेस एरिया पे आ रहे थे। अंत में कहां रहते हैं, उसके सरफेस एरिया। इस वाले एक्सरसाइज में क्या होगा, अंत में किसकी बात करेंगे, उसके वॉल्यूम की। भाई एक के ऊपर दूसरे को बिठा दो, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर को बिठा दो, सिलेंडर के अंदर स्फीयर डाल दो, और अब बताओ कि जो सॉलिड बना या रिमेनिंग सॉलिड, मतलब कुछ बचा सॉलिड, उसका वॉल्यूम बताओ। अब की बार क्या बताओ, उसका वॉल्यूम बताओ। कंपैरेटिवली पिछली एक्सरसाइज से इजी है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में क्या होता था, लेटर से बॉटल से बॉटल मिली, तो पहले बॉटल के पास टोटल सरफेस एरिया था, अभी वापस बॉटल के पास टोटल सरफेस एरिया है अलग अलग, लेकिन जब उनको मिलाएंगे तो उनका बेस बेस से मिल जाएगा, तो उनका सरफेस एरिया एग्जैक्टली जुड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था और उसका 50 था तो अब जुड़ के 150 हो गया, ऐसा नहीं। कुछ जो है कॉमन हो गया मतलब खत्म हो गया, लेकिन वॉल्यूम के केस में ये कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं है। अगर इसका वॉल्यूम, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कॉम्बिनेशन करते एज इट इज जुड़ जाता है 150, या कम कर दो तो एज इट इज कम हो जाता है। तो कंपैरेटिवली इजी वन है तो हमारे लिए, ठीक है ना। चलते हैं एक्सरसाइज से, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑल सिक्स ऑब्जेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड, जैसे क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह जितने भी, सब इंक्लूडेड होंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.2, क्वेश्चन नंबर 1, पेज है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तेरे को लॉक कर दूंगा अंदर, चल। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो फिगर बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे हम। अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो ये इन क्वेश्चंस के फिगर आप स्किप कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं मैं आपको, उसके मत स्किप करना, उसमें तो मार्क्स काउंट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि हेमिस्फीयर के ऑन ए हेमिस्फीयर, दैट मीन्स हेमिस्फीयर नीचे है और कॉनिकल पार्ट ऊपर है, तो लाइक दिस, ये तो हो गया हेमिस्फीयर नीचे और इसके ऊपर क्या है, कॉनिकल पार्ट है, लाइक दिस, ठीक है। With both their radii being equal to 1 centimeter. अच्छा, दोनों का radii equal to 1 centimeter. तो ये radii होता है, ये radii किसके equal है? ये radii किसके equal है? 1 centimeter. तो अगर कोन का है तो हेमिस्फीयर का भी है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स बेस, और कोन की हाइट भी कोन के बेस के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बताओ और किस फॉर्म में बताओ, पाई की फॉर्म में बताओ। चलो पाई की फॉर्म में बताओ, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो तो चलो कई बार पाई की फॉर्म में पूछता है तो पाई की फॉर्म में पूछता है, दैट मींस पाई की वैल्यू मत पुट अप करो, पाई को पाई रहने दो। मेन मुद्दा ये है कि दो जब ऑब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो उसका अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाएगा, दैट इज इट, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। इसका वॉल्यूम जुड़ रहे हो, जोड़ दो, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट निकालते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना शिवम, सीधे सीधे वॉल्यूम जुड़वा रहा हूं, उसमें तो कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर है, प्लस प्लस व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन, बस फॉर्मूला रख दो। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कितनी बार लिखवाऊं बता, 100 बार, 200 बार, 300 बार, हेमिस्फीयर में एच कहां से आया, मैं तो हेमिस्फीयर का पूछ रहा हूँ, 4/3, 2/3 पाई आर स्क्वायर, अभी भी गलत, उसने स्क्वायर बोला ना, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस दोनों का कॉमन है तो वी कैन यूज द कॉमन लेटर आर, और अब बता दीजिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर तो हो गया कॉमन, और पाई को सॉल्व नहीं करना, पाई को पाई रहने देना है, बचता क्या है फिर, 2 बचता है यहां से, और पाई आर स्क्वायर में से एक आर और बचेगा, 1/3 पूरा बाहर गया, पाई आर स्क्वायर बाहर गया, तो केवल एच बचेगा, फाइन। तो 1/3 पाई को तो पाई रखना है, आर आर कितना है, 1 ही है, तो 1 इंटू 1
2r यानी 2 into 1 plus h, h भी 1 ही है, ठीक है, तो 1 into pi into 1 into 1, simply pi by 3 हो जाएगा ये, into 2, 1 जा 2, 2 plus 1, 3, 3 से 3, खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, pi centimeter cube, और numerical terms में लिखो तो 22 by 7 centimeter cube, but उसने कहा ही नहीं, उसने कहा pi के form में लिखो, बढ़िया, ठीक है, easy, ठीक है ना, जस्ट एड द वॉल्यूम, जुड़वाए एड कर दो, कम कराए तोड़वाए, कहीं से कटवाए, कुछ भी कराए तो काट दो, मतलब वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड क्वेश्चन, राशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, नाम भी उसका इंजीनियरिंग टाइप का ही है, ठीक है, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर शेप का उसको मॉडल बनाने के लिए कहा गया, ठीक है, इस तरह का वो मॉडल बनाना था जिसके क्या थे, दो कोन्स अटैच्ड हो दोनों साइड्स, ठीक है, बाय यूजिंग ए एल्यूमिनियम शीट, सिलेंडर के दोनों साइड आना, उसको दो कोन्स बनाना, लगाने, अटैच करने, कैसा बनेगा ये फिगर देखो, ऐसा, ये तो सिलेंडर, ठीक है, और दोनों एंड्स पे क्या लगाने बेटा, हेमिस्फीयर कहां दिखा आपको, इधर तो कोन्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोन्स, तो मिसाइल विसाइल बना रहा है, रशिया लेके जाएगा, ओके चलते हैं आगे, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, अब मॉडल का डायमीटर, मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे कोई साइंस में अपन कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडल, ठीक है ना, तो इस पूरे मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ही कॉनिकल पार्ट का भी डायमीटर होगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी डायमीटर होगा, दोनों पार्ट का डायमीटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 या फिर 1.5, और टोटल मॉडल की लेंथ बता रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन में फिर फिगर बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको फिगर के जरिए कुछ चीजें निकालनी पड़े, अब वो कुछ चीजें क्या होंगी, ऑब्वियसली क्या होंगी, एक तो सिलेंडर की हाइट, क्योंकि वॉल्यूम में, सुनो वॉल्यूम में फॉर्मूला जो होता है सिलेंडर का, उसमें दोनों में हाइट आती आती है ना, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच एच दोनों में, तो इसकी भी हाइट अलग से चाहिए होगी और उसकी भी हाइट अलग से चाहिए होगी, ये तो है कॉनिकल पार्ट की हाइट और कॉनिकल पार्ट की, लेकिन दोनों पार्ट की हाइट सेम होगी, इधर वाली भी सेम होगी और इधर वाली, इक्वल कोन्स लगा रहा है वो, तो हमको दो तरह की हाइट चाहिए, तो हम या तो एच वन और एच टू मार्क कर सकते हैं या फिर कैपिटल एच और स्मॉल एच मार्क कर सकते हैं, बोलो क्या मार्क करें, तो सिलेंडर का मान लेते हैं कैपिटल एच और अगल बगल का स्मॉल एच, स्मॉल एच, तो टोटल लंबाई क्या है इस मॉडल की, 12, टोटल लंबाई क्या है 12, उसमें से देखो कोन की हाइट दे दी कितनी, 2 सेंटीमीटर, दैट मींस ये कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो दो और दो चार तो गए 12 में से, बचा कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब तक जो चीजें मेरे सामने हैं वो ये है कि रेडियस तो है 3/2 और दोनों का सेम है, हाइट दोनों की अलग है, तो स्मॉल एच तो है कोन की हाइट, वो है 2 सेंटीमीटर, और कैपिटल एच है आपके सिलेंडर की हाइट, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अब इसका क्या चाहिए आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राशेल, तो राशेल ने जो मॉडल शेप्ड इक्विपमेंट बनाया है उसके अंदर कितनी एयर स्टोर हो सकती है, एयर ऑब्वियसली वॉल्यूम में स्टोर होगी, यस ऑर नो, एयर कहां पे स्टोर होगी बेटा, वॉल्यूम में, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना, निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, तो स्ट्रेट अवे वॉल्यूम्स जोड़ दो सबके, तो दो तो कौन से है ना, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन या कॉनिकल पार्ट, और सिंगल टाइम वॉल्यूम ऑफ, ऐड कर दो सिंगल टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके 2 into वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट बताओ, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर, और कोन का वॉल्यूम आपने, कोन की हाइट आपने स्मॉल एच मानी है, ठीक है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट में पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, कैपिटल एच, ओके, अभी देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अब सपोज करो गलती से आपने दोनों जगह स्मॉल एच, मान लो यहाँ पे भी आपने अगर स्मॉल एच लिख दिया, तो आप क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लोगे, तो गलती हो जाएगी,
तो अगर हाइट अलग अलग है तो आपको लेटर ही अलग अलग यूज करना है, इसका स्मॉल एच और इसका कैपिटल एच। तो कॉमन क्या आएगा, केवल और केवल पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 2/3h प्लस कैपिटल एच। ठीक है, यहां सॉल्व कर देते हैं हम रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू, तो पाई की वैल्यू अब की बार तो लेनी है ना, अब की बार थोड़ा माफ करी उसने, रोज रोज थोड़ा हरियाली माउस आएगी। 22/7 रेडियस बोलो 3/2 ओके पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ अंदर ब्रैकेट में 2/3 एच स्मॉल एच, स्मॉल एच कितना है 2 प्लस कैपिटल एच कितना है 8। ठीक है, कुछ कुछ जो इजी वे में कट रहा है वो काट लो, लाइक 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, और कुछ नहीं कट रहा तो उसको हाल फिलहाल रहने दो, 11 × 3 × 3 एज इट इज। और नीचे क्या बचता है 7 × 2 ब्रैकेट्स के अंदर को सॉल्व करो, बीच में प्लस मार के तो हो सकता है प्लस होने के बाद ये कुछ कट जाए, तो उसको तो अब ये छोटे मोटे कैलकुलेशन तो ऐसे ही कर लो। देखो 2 × 2 2/3 × 2 क्या होगा 4/3, और 4/3 प्लस 8 क्या होगा कितना टाइम 28/3 भाई, 4/3 प्लस 8 करना है ना, ऐसे करो ना 3×8 = 24 + 4 = 28/3 ठीक है, 28/3 लिख देता हूँ सिंपली। अब देखो 28 से 7 कट गया ना, और ये 3 से 3 और कट गया, दोनों ही कट गए, 7 × 4 = 28, और ये 2 से 2 टाइम्स भी कट गया, तो डिनोमिनेटर पार्ट पूरा खत्म हो गया, 11 × 3 × 2 बचता है लास्ट में, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसने भी गलती करी तो उसको कल गुलाब जामुन पार्टी देनी पड़ेगी, ये खोल लो जल्दी जल्दी, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स या किसी भी टाइप की गलती करी तो। गुलाब जामुन एक क्वेश्चन और है, होमवर्क और है आपके लिए, गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो कल ढूंढ के लाएंगे आप लोग, क्यों रॉसबेरी भाई, जामुन को बेरी और गुलाब को, सही सही सोचा है बेटा। ओके, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जब अपन गुलाब जामुन खाते हैं तो उसके अंदर जो चाशनी होती है उसको कहते हैं सिरप, है ना, शुगर सिरप, तो वो भी कुछ वॉल्यूम, वो भी कुछ क्वांटिटी में होती है, कई बार तो ज्यादा वो होती है उल्टा, है ना, कम तो माल होता है और सारी चाशनी चाशनी भरी हुई रहती है, ऐसा भी होता है, तो 30% वॉल्यूम तक तो क्या है उसमें, वो सिरप है, और बाकी 70% जो रह गया वो बाकी जो भी चीज से वो बनता होगा पता नहीं, है ना। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, अब 45 गुलाब जामुन अगर दे दें तो शिवम तो छोड़े ही ना, हाँ 45 गुलाब जामुन सुनते उसने मेरी तरफ ऐसे बड़े ही उत्सुकता से देखा, ठीक है ओके। Each shaped like a cylinder. अच्छा, हर एक गुलाब जामुन की अब उसने 3D formation दे दी कि गुलाब जामुन कैसे बना हुआ है, cylindrical shape है और hemispherical ends लगे हुए, same capsule वाला shape है इसका, ना capsule वाला shape है कि cylindrical तो बीच में है और दोनों end पे क्या है hemispherical है, और आपको क्या दे रखी है hemispherical end और length 5 cm, भी length 5 cm किसकी, सिलेंडर की हेमिस्फेयर की गुलाब जामुन की, किसकी, पूरे गुलाब जामुन की, अगर गिवन नहीं है, अगर उसको सिलेंड्रिकल पार्ट की बतानी होती तो कहता कि सिलेंड्रिकल पार्ट की, उसने नहीं बताई, उसने कह दिया कि गुलाब जामुन की लेंथ, तो गुलाब जामुन की लेंथ, अब गुलाब जामुन की लेंथ ही होगी, उसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट भी रहेगा और सिलेंड्रिकल पार्ट भी रहेगा, एंड डायमीटर इज ऑब्वियसली 22.8 cm जिससे रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, बाकी गुलाब जामुन शिवम बना देगा, कच्चा ही खा जाएगा क्या, बनाने आते हैं कि शिवम तेरे गुलाब जामुन नहीं आते, ओके ठीक है, और इसके हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं लाइक दिस, जैसे कैप्सूल कहते हैं हेमिस्फेरिकल एंड्स लाइक दिस, अरे उसके अंदर चला गया, मैं एक्सरे से देख रहा हूं उसको।
क्या कह रहा है? 40 कैप्स घोड़े वाले. चलो लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस. आ जाओ. तो ये क्या कहता है कि डायमीटर 2.8 है. तो डायमीटर ये होता है ना, ये पूरा डायमीटर कितना है? 2.8. तो टेल मी व्हाट इज द रेडियस. ये रेडियस कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर. एक चीज खत्म हुई. अब टोटल लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की यहां से लेके यहां तक? 5 सेंटीमीटर. ये टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक. तो उसको डिवाइड करूं तो देखो, इसमें इसकी हाइट और इसकी हाइट निकाल दूं, और हेमिस्फेरिकल की हेमिस्फेर की हाइट क्या होती है? रेडियस. अब की बार गलत बोलता तो बचता नहीं. ठीक है, तो रेडियस की इसकी हेमिस्फेयर की हाइट क्या होगी? उसके रेडियस के बराबर होगी, और जो कि कितनी है? 1.4. तो इधर 1.4, तो ऑब्वियसली उधर भी 1.4. टोटल 5 में से 1.4 इधर गया, 1.4 इधर गया. टोटल कितना गया? 2.8. तो कैन यू टेल मी कि बचा कितना? यहां से लेकर यहां तक कितना बच गया? 2.2. पूरा खोल के रख दिया गुलाब जामुन को अपन. ठीक है, इंजीनियर हुई नहीं मैं. आई एम नॉट एन इंजीनियर. राशेल वो था. ओके चलिए, तो अब आपको क्या चाहिए कि 45 गुलाब जामुन में क्या चाहिए कि हाउ मच सिरप, सिरप सिरप की वॉल्यूम चाहिए, और सिरप है कितनी? 30%. तो एक बार तो मैं टोटल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ और उसका 30% कर दूंगा, उतनी सिरप हो जाएगी, और फिर उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कह रहा है तो राउंड ऑफ कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे. तो पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं तसल्ली से. एक गुलाब जामुन को तो देखे ना कैसे बनता है. वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन या ईच गुलाब जामुन यू कैन से. जल्दी कर ले नहीं तो कल खिलाने पड़ जाएंगे. बोल भाई, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेगा शिवम? इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? कौन कौन से फिगर्स जुड़ रहे हैं इसमें देखो. हाँ शिवम आप ही हो ना. पक्का? चलो ये नोट करना, सब लोग याद रखना, कल आते ही गुलाब जामुन खिला गए, कल खुद ही ना गायब हो जाए. हाँ बताना. अरे बीच में सिलेंडर नहीं दिख रहा, और अगल बगल में क्या दिख रहे हैं? हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम में मैं अभी तो बता रहा हूँ आपको. एक्सरसाइज शुरू करते ही क्या बताया कि कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, जो जुड़ रहा है वो जोड़ दो, जो घट रहा है वो घट दो. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जोड़ दो, और फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दो. तो टोटल कितने हेमिस्फीयर जुड़े? दो बार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जुड़ा, 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. प्लस वन टाइम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. बोलो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन नहीं है ना, पाई आर स्क्वायर एच. ओके अब देखो यहाँ पे आर आर दोनों का कॉमन है, 1.4 है, चेक करो. और h जो है उसमें तो है नहीं, केवल इसमें है. तो ये 2.2 है ना, ये होगी h की वैल्यू, क्योंकि h का मतलब है सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट. उसकी तो हाइट से मतलब ही नहीं है, किसी फॉर्मूला में उसकी हाइट आती नहीं है. तो 2 × 2/3 को सिंपली लिख दो 4/3. अच्छा पहले कॉमन ले रहे हो, सॉरी कॉमन बताओ क्या लोगे? पाई आर स्क्वायर. अंदर क्या बचेगा? 2 × 2/3 यानी 4/3, और एक r भी बचेगा ना, आर बचेगा ना, क्यूब है, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर से एच बचेगा. चलो अब वैल्यूज पुट अप कर दो. 22/7, रेडियस कितना है? 1.4. इसका स्क्वायर करना है तो अगेन 1.4. 4/3, रेडियस कितना है? वही 1.4. 1.4, वन सेकेंड क्या हुआ? एच क्या है? एच 2.2. 0.2. म्यूजिक भी मिल रहा है साथ के साथ, और क्या चाहिए? चलो सॉल्व करो, एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए तुम लोगों को, तो सब मिल जाता है आपको यहीं पे, हर तरह का ज्ञान. चलो 3 से मल्टीप्लाई करो एंड देन एड 4.2, या 3 एलसीएम ले लो, समझ में नहीं आया तो अच्छे से 4.2 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.6 मल्टीप्लाई करके. ओके एक सेकंड रुको, देखो बच्चों यहां पे गलती कर दी, इसको सही करो.
फोर इंटू 1.4 4.2 नहीं होता, इट इज 5.6 एक्चुअली 14 3 या 42 लिख दिया, जबकि 14 4 से लिखना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, हमने डिनोमिनेटर से कर दिया, सो इट इज ऑल्सो 5.6. आगे देखो, तो 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 इंटू वॉट इज 5.6 प्लस 6.6 इट इज 6 and 5 11 एंड 1.2 मोर एंड 12.2 11 एंड 1.2 मीन्स 12.2 डिवाइडेड बाय 3. तो ये 3 से कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अभी अपने को सिरप का वॉल्यूम निकालना है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो उसमें 3 से कुछ ना कुछ कट जाएगा, ऑब्वियसली 45 तो कट ही जाएगा सेंटीमीटर को, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. अब अपने को 45 देखो क्या कह रहा है कि 30% वॉल्यूम सिरप रखता है और 45 गुलाब जामुन से, तो पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल लेते हैं एंड देन फिर 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे सिरप का वॉल्यूम निकालने के लिए, और फिर उसको भी अप्रोक्सीमेट निकालना है. चलो 22 इंटू 1.5 इंटू 0.2 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर. अब अगर नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. क्या है 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 इंटू लास्ट में है इंटू 12.2 बाय 3 तो अब ये 3 से कट गया 15 टाइम्स. ठीक है, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, अब तो उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कर देते हैं. तो देखो कैसे करूं मैं, लेट्स डू वन थिंग. देखो 15 इंटू 0.2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 15 टू जा 30 होता है तो ये 3 हो जाएगा ओनली, क्योंकि 3.0 हो जाएगा ना भाई, 15 टू जा 30 और 30 में एक पॉइंट लगाओगे तो 3.0 दैट इज ओनली 3. और उसके बाद आ जाओ 22 इंटू 1.4 कर दो, करना तो अल्टीमेटली कैसे भी कर लो, 14 टू जा 28 रिमाइंडर 2, 14 टू जा 28 एंड 2 30 एक जगह आगे पॉइंट, तो किस किस का काम हो गया 15 22 1.4 या 0.2 इसका काम हो गया. अब आखिर में बचता है 12.2. ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, 3 से कर लो पहले या पहले इन दोनों को कर लो, 12.2 को 308 से मल्टीप्लाई करना है, चल जल्दी से करके बताओ, करो 308 122 या 16 2 3 या 6 616 308 6 7 8 और 1 9 और 6 15 7 375 और 30.8 था 12.2, दो डेसिमल प्लेसेस लग जाएंगे, ये 30.8 था 12.2 था, तो इट इज 3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 375.76 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब. अब 3 से फाइनली और कर दो, 3 6 जा 18 रिमाइंडर 1, 21 एंड 1 22 रिमाइंडर 2, डिवाइड बाय 15 एंड 2 17 17 रिमाइंडर 1, 3 6 जा 21 एंड 1 22 रिमाइंडर 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11, तो 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब. सही क्या है ना, 18 1 3 21 2. चलो, तो अब अपने को फाइनली चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाएगा, 30% ऑफ दिस होल थिंग, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ठीक है, तो 30/100 इंटू व्हाट 1127.28, 0 से 0 गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 10 है तो एक डेसिमल प्लेस बढ़ा देना, 3 8 जा 24 रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 7 जा 21 रिमाइंडर 2, 3 3 9 एंड 2 11 रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 1 जा 3. ये यार आए क्या, वन सेकेंड 3 8 जा 24 रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 7 21 रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 एंड 2, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, देखो 3 8 जा 24 रिमाइंडर 2, 8, 3 7 जा 21 रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3. अब ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 10,
सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे ऑलरेडी टू डेसिमल प्लेसेस थे, 10 से डिवाइड कराऊंगा तो आई विल गेट 338.184 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल आंसर है। और उसने अप्रोक्सीमेट पूछा था तो ये ऊपर का हटा दो 184, आंसर विल बी 338 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल आंसर, अप्रोक्सीमेट लगा दूंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्यूब, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए तो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए वॉल्यूम वाले एक्सरसाइज में, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, टोटल कितने 8 क्वेश्चन नंबर 4 से कल स्टार्ट करेंगे। काफी आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।